आज हमारी एक और न्यू सक्सेस स्टोरी है स्लोवेनिया कंट्री की। हमारे साथ स्टूडेंट है जिनका रिसेंटली हमारा जो वीजा आया है, इनका नाम है मनतृप्त, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। उनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस ग्राउंड के साथ रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मनतृप्त, आपका मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून तो सर। थैंक यू। तो ऐसे है कि इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको ये फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्राउन इमिग्रेशन की जो प्रेजेंस है 3 स्टेट के अंदर है, पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में। तो अगर आप इन किसी भी साइड के क्लाइंट हैं हमारे, इन किसी भी ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो आप पंजाब में हमें संपर्क कर सकते हैं, हरियाणा में अगर चाहते हैं तो दिल्ली, हरियाणा में हमारा करनाल में ऑफिस है और दिल्ली में हमारा पटेल नगर में ऑफिस है, तो वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। मनप्रीत जी, हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो कैसी फीलिंग हो रही है सबसे पहले ये बताइए आप। चलो बहुत खुश हूँ सर। सबसे पहले तो इतने टाइम ठीक। मतलब वेट करने के बाद एक्चुअली लास्ट में हाँ, सक्सेसफुली रहा सब कुछ। अभी अभी सब मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए हमारी, मैंने फिर बता दिया, हमारी या हमारे स्टाफ की किसी की भी कोई बैड इंटेंशंस नहीं रहती किसी के भी टुवर्ड्स। जब भी हम अपना केस लेते हैं कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जब अम्बेसी में केस चला जाता है तो डिसीजन अम्बेसी ने ही देने होते हैं। तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो उसके बारे में भी मैं बताता रहता हूँ। आज ही हमारे आई थिंक 4 सक्सेस वीजाज भी आए हैं, 2 कनाडा के और 2 स्वीडन की, डायरेक्टली वहां की अप्रूवल आई है रेजिडेंसीज की स्टूडेंट की। तो उनकी भी मैं सक्सेस स्टोरी आने वाले टाइम में लेकर आऊंगा, लेकिन हम अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि हमें गाली गलौज भी करते हैं, कमेंट्स भी गंदा लिख देते हैं जब जिसको कोई काम डिले होता है, या समटाइम्स अगर उसका नेगेटिव डिसीजन आता है। तो देखिए कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कुछ अम्बेसीज के हाथ में, अम्बेसीज ने वीजा देने होते हैं। अगर मैंने फिर बताया हमारे साथ चलेंगे, पेशेंस है तो आपको आपकी डेस्टिनेशन मिलेगी। हम ये देखिए कि हमने उस चीज के ऊपर कितना कर्मा किया है, कितने एफर्ट्स किए हैं। तो हम ये नहीं देखते, हम बस यही देखते हैं कि यार मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आए, वो कैसे पहुंच गया, मैं डिले कैसे हो गया। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि डायरेक्टली वीजा आ जाते हैं, कुछ लोगों को वेट करना पड़ता है। तो अभी हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। मनतृप्त जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने क्राउन इमिग्रेशन को कहाँ से संपर्क किया, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में आपको पता कहाँ से चला, ये बताइए। सर एक्चुअली क्राउन इमिग्रेशन के बारे में एक्चुअली मैं पहले भी मतलब बहुत जगह ट्राई कर चुका हूँ, मतलब कि बाकी इमिग्रेशन के पास। तो मतलब मेरे को उनका फीडबैक वगैरह मतलब मेरे को मतलब पसंद नहीं आया, अच्छे नहीं लगा, मतलब कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर मेरे को मैंने सर्च किया नेट पे तो मेरे को क्राउन इमिग्रेशन मिला। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट किया मैडम से, तो फिर उन्होंने मेरे को अच्छे से बताया, अच्छे से डिटेलिंग में बताया, तो फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट करवाया। ठीक। तो ऐसे है कि आपने कौन से ऑफिस में कांटेक्ट किया था हमारे? मैंने करनाल, मुगल करनाल वाले में कांटेक्ट अच्छा, करनाल ऑफिस जो किया। हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो यस पहले ये बताइए कि आप ने कभी मुझे भी संपर्क किया है हेड ऑफिस में, कभी मुझसे फिजिकली मिले हो या मुझसे कभी कोई बात हुई हो आपकी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं भाई, ये फर्स्ट टाइम है। नहीं, कोई इंटरव्यू के टाइम भी नहीं बात हुई, जब इंटरव्यू में जाना था अम्बेसी में, इंटरव्यू में जब जाना था तब भी कभी बात हुई थी आपकी कि नहीं, जब इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछने थे अम्बेसी ने कुछ आपसे, जब उसके लिए भी कभी नहीं हुई? नहीं सर एक्चुअली सब क्लियर था, बहुत अच्छे से क्लियर था, मैडम ने क्लियर कर दिया था, तो इसलिए आपसे बात करने के मतलब वो अच्छा, लौट नहीं पड़ी। अभी आप फर्स्ट टाइम मुझसे बात कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो आप तो पता नहीं कैसे रह गए, लेकिन मैं ये बता दूं हमारी क्वालिटी क्या है। अगर किसी भी बच्चे की अगर अम्बेसी की इंटरव्यू आती है तो उस बच्चे को मैं तब तक अम्बेसी में नहीं भेजता हूँ जब तक वो मेरे थ्रू नहीं जाता है, मुझसे उसकी टेलीफोनिकली डिस्कशन नहीं होती। यस सर एक्चुअली मैं शायद उस टाइम पे थोड़ा बिजी चल रहा हूँगा, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। नहीं यस हो पाई होगी, लेकिन मैडम ने कहा तो जरूर होगा कि सर से बात हुई है आपकी। सर चलो कोई बात नहीं,
क्योंकि अभी स्टाफ को भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया जो करनाल के अंदर है, उनको 6-7 साल हो गए लगे हुए। तो अभी दूसरा चीज ये है कि कभी आपको हमारे ऑफिस से या हमारे स्टाफ से कोई ऐसा लग रहा हो कि हम आपको इग्नोर करते हैं, आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, आपको इरिटेट करते हैं, कोई ऐसा कभी महसूस हुआ हमारे जहाँ पे? नहीं सही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब जब भी मैंने कॉल किया है, कुछ भी पूछने की कोशिश करी, तो मेरे को 100% गाइड किया गया, जो भी मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे प्रोसेस से, तो मेरे को 100% उनके आंसर मिले हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। मतलब ये मेन चीजें होती है कि क्लाइंट्स की ये ज्यादा क्वेरी रहती है, सर आप मेरा फोन नहीं उठाते, आप हमें बताते नहीं है हमारा स्टेटस कहाँ पे है, हमारा एडमिशन आया या नहीं आया। आपको कभी आपको ये लगा होगा कि हम आपको ऑलवेज टाइमली अपडेट करते होंगे जब आपका एडमिशन आता होगा, जब आपने को फीस भेजनी है, जब आपकी इंटरव्यू आती होगी, जो भी मेल आती थी आपको उसके बारे में अपडेशन दी जाती थी हमारे ओर से इधर से? यस सर, यस सर, बिल्कुल। मेरे को स्टेप बाय स्टेप हर जो भी मेरे को पूछना होता था मैडम से, जो भी टीचर्स थे वहां पे, मतलब मेरे को हर स्टेप वाइज मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी हमेशा। ठीक। तो अभी हम आपकी यस, प्रोफाइल के ऊपर आएंगे। आपकी एज कितनी है सर? मेरी एज है 21 सर। 21। आपने 10th में कितने परसेंटेज है? 10th में मेरे हैं 60-65 आई थिंक। 12th में 12th में ओवरऑल 50%। 50% है ना? 50। कौन सी स्ट्रीम से है? सीबीएसई, इस स्ट्रीम कौन सी है? 12th नॉन मेडिकल, नॉन नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल। मेडिकल। तो इसके बाद कुछ किया आपने 12th के बाद? नहीं सर, अभी तक मतलब मैंने ट्राई किया था, मतलब बीच में कोरोना करके फिर मैंने एक कोर्स चूज किया था यहाँ पे मोहाली में, बिजनेस मैनेजमेंट का, ठीक है। तो वो कोविड के कारण डिले होगा, बीच में नहीं हो पाया। तो आपने कोई IELTS या PT या समथिंग कुछ किया है? IELTS मैंने आई थिंक 2019 या 20 में दी थी, दिसंबर में, तो कितने आए थे बैंड फिर आपके? ठीक उसमें मेरा स्कोर आया था 5.5 ओवरऑल। है, चलो 5.5 आपका स्कोर था। तो आपका कौन सी कंट्री का अभी जो रेजिडेंसी परमिट या वीजा आया है स्टूडेंट का, मेरा स्लोवेनिया का सर। तो दिखाएंगे थोड़ा अपना जो कार्ड कैसा है जो अभी आया यस है? सर, एक्चुअली अभी तक बैक ही है, मैंने खोला नहीं है। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। जी सर। तो मैं आपसे ये एक चीज पूछना चाहता हूं कि कितना टाइम लगा आपका हमारे साथ ये लेकर, बताइए। मैक्सिमम अगर बात करूं मैं, लगभग 4-5 मंथ्स, के अंदर फोर हो फाइव गया, मंथ्स 4 month, 5 month यस के अंदर हो गया। यस तो आप ड्यूरिंग द प्रोसेस इनएक्टिव भी हुए होंगे? यस सर, यही था ना कि मतलब कभी वो नहीं था, कि एक्सपीरियंस नहीं था कि कितना टाइम लगेगा या कैसे होएगा, तो इसलिए फिर भी इतना टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा देखो डिमोटिवेटिंग। दिस इज द नेचर है, क्योंकि नेचुरल है कि अभी आपका केस का डिसीजन आ नहीं रहा, डिले हो रहा है या क्या हो रहा है, पैसे भी यस भेजे हुए हैं, अभी क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, काफी टेंशन सर, थी। चलो लास्टली आपकी भी रेजिडेंसी कार्ड आ गए, तो आपको ये मालूम यस है कि इस साल के रिजल्ट क्या रहे हैं स्लोवेनिया के? सर सर। एक्चुअली सर, जहां तक मेरे को पता है, मतलब जितने ही बच्चों ने करवाया तो उनका सबका आ गया है, मेरे आ गया, चलो हिसाब से ठीक तो 100% आया रिजल्ट। चलो ठीक। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने सारा फैक्ट बताया है। तो मैं जी फिर सर, अनदर जितने भी व्यूवर्स हैं जो भी शेंगन कंट्रीज में अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी जी प्रोफाइल देखने के बाद हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे किसी को, स्टूडेंट को या किसी पब्लिक को या किसी और को? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मतलब हमको देख रहे हैं, तो मतलब कि अगर उनका है मन यूरोप जाने का या कहीं भी, तो मतलब वो अप्लाई करें क्राउन इमिग्रेशन से, और बस थोड़ा पेशेंस रखें। पेशेंस रखोगे तो आपका रिजल्ट 100% आएगा, तो एक चीज ये और लगे पूछ, जल्दबाजी। यस ठीक है सर, ठीक। एक चीज तो आप ये बताइए, इसमें इंटरव्यू आई थी आपकी, जैसे इंटरव्यू भी आई थी। यस सर, तो अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, आईलेट्स नहीं है, तो क्या आप उसको रिकमेंड करेंगे यहाँ डालने के लिए जिसको इंग्लिश नहीं आती ना आईलेट्स है? यस सर, जहां तक सर मेरा एक्सपीरियंस है, इंग्लिश मतलब इतनी ये नहीं है कि मतलब हाई लेवल की चाहिए, बेसिक इंग्लिश चल जाएगी कि ठीक ठीक है है, आप मतलब बात कर कन्वर्सेशन कर सको थोड़ी बहुत ही ठीक बेसिक्स, ठीक वहां की जनरल नॉलेज वगैरह, और आप अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नॉलेज होनी तो चाहिए। आपको आपको यहाँ पर ऐसे लगा कुछ कि क्राउन इमिग्रेशन की अम्बेसी के अंदर सेटिंग है, जहाँ यूनिवर्सिटी के साथ सेटिंग है, यहाँ से हमने आपका एडमिशन करवा के दिया या वीजा करवा कर दिया, आपको ऐसा कोई महसूस हुआ कभी? सर नहीं, सेटिंग होती तो अब कब तक का हो जाता, पहले ही हो जाता अगर तो सेटिंग होती। अभी आपको इस प्रोसेस से कुछ आइडिया हुआ होगा, क्योंकि हम ओपन है, ओपनली काम करते हैं।
कभी हमने आपके ओरिजिनल कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने की कोशिश की हो, आपको कभी ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की हो कि नहीं यार अभी ये करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा ऐसे कुछ? यस सर, मैं बताना चाहूंगा, मतलब ये डर फर्स्ट टाइम हर बच्चे के दिमाग में आता है अभी डॉक्यूमेंट्स ले लें और वापिस ना दें, बट मैंने जब यहाँ पे प्रोसेस करवाया तो उन्होंने मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा, सब कुछ करवा के मतलब स्कैन वगैरह करा के वापिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापिस हैंड ओवर करे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यस, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके कि आपने ये सारी चीजें बताई हैं कि इतने ओपनली हम काम करते हैं, सारा कुछ किस तरीके से करते हैं, कितना ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। तो मनप्रीत जी, अगर अभी जाने के बाद कभी पेरेंट्स को बुलाना हो तो जरूर हमें संपर्क करें, हम आपके पेरेंट्स को भी वहां पर घूमने फिरने के लिए जरूर भेजेंगे। ठीक है यस सर, आगे जो भी अगर प्रोसीजर होगा तो सर आपसे मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो अगर और अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार भी जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।